ये कहानी है जादुई चुड़ैल की। वीरपुरम नामक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम शंकर था। वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो रात में सो रहा था, उसके घर एक प्यासी चुड़ैल आई और जोर से चीखी। शंकर चीख सुनकर जाग गया और ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि हुआ क्या। चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गया। अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम थोड़ा सा पानी पिला दो। शंकर को उस चुड़ैल पर बहुत दया आ जाती है। तो शंकर घर के अंदर जाकर मटका ले आता है। शंकर ने उस चुड़ैल को पानी पीने के लिए अपना मटका दिया। चुड़ैल पानी पीती है और बोलती है, मेरी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यास बुझ गई ना, इतना ही मेरे लिए काफी है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल चारों तरफ देखी। वो समझ गई कि शंकर बहुत गरीब है। हे भले आदमी, ऐसा लग रहा है कि तुम अपना दिन बहुत गरीबी में काट रहे हो। तब शंकर ने चुड़ैल को अपने बारे में बताया। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अगर तुम रात के वक्त इस मटके से पानी मांगोगे तो ये पानी की बजाय तुम्हें सोने देगा और इस मटके का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, जिससे तुम बहुत अमीर आदमी बन सकते हो। एक बार कोशिश तो करके देख लो। शंकर ने उस मटके से पानी मांगा और उस मटके में से पानी की बजाय सोने के सिक्के निकलने लगे। तुम्हारा मैं कैसे धन्यवाद करूं? तुमने तो मेरा सारा जीवन ही सुधार दिया। ठीक है, कल मैं रात को फिर से तुमसे मिलने आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली गई। शंकर ने उस सोने के सिक्के को बेचा और बहुत ही अमीर आदमी बन गया। अब शंकर बहुत ही खुश था। एक दिन शंकर उस चुड़ैल से बात करते हुए मटके से सोने के सिक्के मांग रहा था। तभी पड़ोस के घर में रहने वाला रामू नाम का व्यक्ति जाग गया। उसने शंकर के घर की तरफ देखा और मटके में से सोने के सिक्के निकलते हुए देख लिया। हाँ, तो ये एक वरदान है। तो शंकर का बच्चा, तू एक दानव के वरदान की वजह से इतना अमीर आदमी बन गया। तुम्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल और शंकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद रामू शंकर के घर आया और मटके से सोने के सिक्के मांगा, लेकिन उसमें से पानी निकलने लगा। रामू की सारी उम्मीद पर पानी फिर गया और वो बोला, अरे ये क्या, वो जब बोलता है तो मटके में से सोने का सिक्का निकलता है, मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ पानी ही निकल रहा है। ये क्या, इसका मतलब ये फायदा उस चुड़ैल ने सिर्फ शंकर को ही दिया है। फिर वो धीरे धीरे दबे पांव शंकर के घर में घुसा। उस समय शंकर बहुत गहरी नींद में था और रामू पूरे घर की तलाशी ली और उसे जो सोना दिखा वो उसे उठा कर ले गया। अगले दिन जब शंकर उठा तो सोने के सिक्के को न पाकर बहुत परेशान हो गया। उसे अपने सोने के सिक्के की बहुत फिक्र हुई कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर चुड़ैल उस रात शंकर से मिलने आई। तब शंकर ने उसे सारी बात बताई। फिर तुरंत चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया कि सोना किसने चुराया है। फिर चुड़ैल ने रामू के बारे में सारी बात बताई। मैं बताती हूँ दोस्त कि तुम्हें सोना वापस कैसे लेना है। अगले दिन शंकर रामू के पास गया। मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ रामू, ये बहुत जरूरी बात है। मेरे घर जो मटका है ना, उससे मुझे सोना मिलता है। ये वरदान मुझे एक चुड़ैल से मिला है। अगर तुम भी फायदा उठाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो तुम अपना सारा सोना मटके के नीचे रख कर उससे मांगो, फिर देखो तुम्हें सब मिल जाएगा। फिर रामू सोचने लगा, मुझे लगता है ये सही बोल रहा है, लेकिन अगर मैं इसका चुराया हुआ सोना ले जाऊंगा तो इसे सारी बात समझ में आ जाएगी, इसीलिए अभी इसको टरकाना ही अच्छा है, फिर मैं बाद में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो दोस्त, मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा। फिर भी बताने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्त, फिर मैं चलता हूँ। फिर शंकर वहाँ से चला गया। उस दिन रात में रामू अपना सारा सोना लेकर उस मटके के पास आया। हे जादुई मटका,
तुम मुझे सोना दो। प्रभु के ऐसा बोलते ही उस मटके में से सोने के बजाय आग निकलने लगे और वो चीख पड़ा, अरे ये क्या, इसमें तो आग निकल रही है। तभी वहाँ शंकर और चुड़ैल आ गए। उन दोनों को देखकर रामू को बहुत शर्म महसूस हुई। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों को वो सारी सच्चाई बता दी। रामू उन दोनों से माफी मांगा और ऐसा कभी न करने के लिए वादा किया और वहाँ से चला गया। फिर रामू और शंकर हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका फल बहुत बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जादुई जूता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपने घर में अकेली होती है, तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। निशा जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक औरत होती है। क्या हुआ आंटी जी, आपकी कोई मैं मदद कर सकती हूँ? बेटा, दो दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ आंटी, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। निशा जल्दी से घर में जाती है और खाना लेकर बाहर आती है। आंटी ये लीजिए खाना। फिर वो औरत खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। निशा, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम ऐसे ही सभी के साथ व्यवहार करती हो, लेकिन आज से मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। ये लो, ये एक जादुई जूता है, ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। और हाँ निशा, एक बात और, जो भी इस जूते या तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। अब निशा बहुत खुश थी और वो पार्क में घूमने जाती है। तभी निशा को एक आवाज सुनाई देती है। निशा, वो देखो, एक बच्चा रो रहा है, जाओ तुम उसकी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? तभी निशा जादुई जूते से कुछ खाने के लिए मांगती है। जादुई जूता, मुझे कुछ खाने के लिए दो। निशा के ऐसे बोलते ही उसके हाथ में खाना आ जाता है और वो उस बच्चे को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। निशा इस तरह सभी के छोटे बड़े काम करके मदद करती है। एक दिन निशा एक लड़की को पानी में डूबने से बचा रही थी, तभी उसकी दोस्त रीना ने ये सब करते हुए देख लिया और वो मन ही मन निशा से जलने लगी। निशा ने ये कैसे किया, क्या उसके पास कोई शक्ति है? मैं उसी से चलकर पूछ लेती हूँ, ये तो सही रहेगा। निशा, तुमने ये कैसे किया, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? अरे नहीं नहीं रीना, मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये सब तो इस जूते का कमाल है, इसी से मैं सबकी मदद करती हूँ। जादुई जूता, ये तुम्हें कहाँ से मिला निशा? फिर निशा रीना को सारी बात बताती है। रीना जब ये बात सुनी तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उसके जूते मैं चुरा लूं। ये सोचकर रीना निशा के घर गई। जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया उसका कद छोटा हो गया और वो बहुत घबरा गई, जिससे वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा कद इतना छोटा कैसे हो गया? तभी निशा रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे ये क्या हुआ, अब रीना का कद बहुत छोटा हो गया था। तभी निशा को परी की कही बात याद आती है। रीना, जरूर तुम मेरे और इस जूते के बारे में कुछ बुरा सोची हो,
तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला तुम्हारे बारे में बुरा क्या सोचूंगी? जैसे ही मैं तुम्हारे घर में कदम रखी, वैसे ही मेरा कद छोटा हो गया। मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा है, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया। फिर रीना रोते रोते निशा को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो निशा, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसे मैं भी सभी की मदद करूंगी। जैसे ही मैंने तुम्हारे जूते को छुआ, मेरा कद छोटा हो गया है। तुम्हारा कद बड़ा करने का उपाय तो मैं भी नहीं जानती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर परी से प्रार्थना करते हैं। फिर निशा परी से प्रार्थना करती है। परी, आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त का कद छोटा हो गया है। फिर परी वहाँ पर प्रकट होती है। रीना, तुम निशा की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने इसके बारे में बहुत गलत सोचा है और इसकी चीजें चुराने की कोशिश की हो, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया है। परी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद निशा या किसी भी दोस्त की कोई भी चीजें नहीं चुराऊंगी और आज से मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगी। ठीक है रीना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर परी अपने जादुई शक्ति से रीना को पहले जैसा कर देती है। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का भी कोई चीज नहीं चुराना चाहिए। तो आपने देखा जादुई जूता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।